दोस्तों पुणे के एमसी मैदान पर हुए वर्ल्ड कप 2023 के 17वें मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदकर नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 256 रन बनाए। इसके बाद जवाब में भारतीय टीम ने विराट कोहली की नाबाद सेंचुरी के दम पर 41.3 ओवर में ही 261 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। विराट कोहली ने छक्के से टीम को जीत दिलाई और शतक भी पूरा किया। विराट के शतक के साथ ही ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो चर्चा में आ गए। बता दें कि विराट कोहली 97 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी और विराट को शतक पूरा करने के लिए 3 रन चाहिए थे। विराट के सामने थे बांग्लादेशी स्पिनर नसूम अहमद। 42वें ओवर की पहली गेंद नसूम ने फेंकी जो कि लेग स्टंप के बाहर चली गई, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने इसे वाइड करार नहीं दिया। इसके बाद अगली गेंद डॉट रही और ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया और टीम को जीत भी दिला दी। अंपायर का 42वें ओवर की पहली गेंद को वाइड न दिया जाना चर्चा का विषय बन गया। एमसीसी के वाइड बॉल के नियम 22.1.2 के मुताबिक गेंद को वाइड तब करार दिया जाएगा जब वह बल्लेबाज की रीच से बाहर हो। अगर बल्लेबाज नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट लगा सकता है तो उस गेंद को वाइड करार नहीं दिया जाएगा। 22.1.1 नियम के मुताबिक इसे जज करना अंपायर का काम है। विराट कोहली की बात करें तो वह लेग स्टंप पर खड़े थे। जब गेंदबाज ने गेंद फेंकी तो वह ऑफ स्टंप की ओर बढ़ गए और गेंद विकेटों को मिस करती हुई कीपर के दस्तानों में चली गई। अंपायर ने इसे वाइड करार नहीं दिया और वाइड बॉल न देने के बाद जैसे कैमरामैन ने कैमरे का एंगल उनकी तरफ किया वह हल्की सी मुस्कान के साथ नजर आए। तो दोस्तों आपको मैच में अंपायर का फैसला कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप भी विराट कोहली को बड़ा प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।